उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष थामे नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष मदन चौहान को एक वर्ष पूर्व ही उनके ही पेट्रोल पंप पर शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें पुलिस ने शूटरों के अलावा नामजदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बावजूद भी दो पक्षों में चले खूनी संघर्ष का सिलसिला थामे नहीं थम रहा है, जिसके चलते शाम के 7:30 बजे के लगभग पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के बेटे शिवम चौहान की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमला उस समय बोल दिया जब एक अंडे की दुकान पर वाहन चालक अंडा खरीदने के लिए बाहर निकला। इस दौरान गाड़ी में बैठे जनपद मैनपुरी में तैनात कांस्टेबल अरविंद कुमार को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल कांस्टेबल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर सैफई के लिए रेफर कर दिया है। गनीमत है कि गाड़ी में पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे शिवम चौहान मौजूद नहीं थे, क्योंकि वह किसी कार्य के लिए आगरा गए हुए थे। घटना की रिपोर्ट शिवम चौहान ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध दर्ज कराई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडे ने आनन फानन में हमलावरों की तलाश के लिए जिले में 5 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस का दावा है कि तत्काल जांच कर अज्ञात आरोपियों का खुलासा कर घटना का अनावरण किया जाएगा। मैनपुरी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। एक घटना थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी की है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद कलर की नोवा गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा था। वहाँ पे जानकारी हुई कि उस गाड़ी में हमारे मैनपुरी जनपद में तैनात कांस्टेबल हरविंद कुमार बैठे थे, उनके कंधे में गोली लगी है। उस गाड़ी के ड्राइवर शरीफ खान अंडे लेने के लिए उतरे हुए थे। इस तरह की स्थिति थी। उसके बाद कांस्टेबल घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको सैफई हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और जानकारी करने पर पता चला कि इनोवा गाड़ी शिवम चौहान नामक व्यक्ति की है, और शिवम चौहान के साथ कांस्टेबल हरवेंद्र गनर के रूप में तैनात थे। आज शिवम चौहान उसे इनोवा गाड़ी में नहीं बैठे थे, वो नहीं आए थे, वो किसी अन्य काम से आगरा गए हुए थे। इसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें शिवम चौहान की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, और इन अज्ञात हमलावरों की पहचान जल्द से जल्द कराई जाएगी। इसके लिए 5 तेज़तर्रार टीमें लगा दी गई हैं। अनावरण करके अपराधियों की पहचान करके उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और जल्द से जल्द वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.